हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे अपने अपने घरों पे। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक और अच्छी सी जगह, जहाँ का नाम है सुरपुरा डैम। एंड वहीं पर सामने पर ही सुरपुरा पार्क है, तो वहाँ पर जाएंगे। अब डैम बोला है, देखते डैम में पानी है या नहीं है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है ना, पानी वाली चीज़ें बहुत कम मिलेंगी आपको। कितना 13 किलोमीटर? अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास है। अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास। दो चीज़ें हमने देखी हैं फिलहाल तो गूगल में, एक वहाँ पे सुरपुरा सफारी पार्क करके है और एक है सुरपुरा डैम करके। हम बेसिकली वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी देखते हैं कि क्या क्या होता है उधर। ओह माय गॉड, बोटिंग के तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जब तक हमारी यहाँ पे पोस्टिंग है ना, हम पूरा का पूरा जोधपुर का संडे को ऐसे पूरा धान मारेंगे। जोधपुर में क्या क्या जगह घूमने की, ताकि कल को हमको कोई पूछेगा ना तो हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे जाने ही चाहिए हमको। और आपने मोस्टली देखा होगा कि मैंने, वैसे तो मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं जोधपुर में आए हुए अभी, और मैंने कितनी सारी जगह घूम के, मतलब हमें सर्च करना पड़ रहा है यार अब हम कहाँ जाएँ। सारी जगह तो हम चले गए हर संडे को, क्योंकि हमारा प्लान बनता था। बट मैंने आज कहा ही नहीं, मैंने कहा आए हुए भैया 15 दिन हो गए, मैं 4 दीवारों के अंदर बोर होगी बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं घुमाने लेके चलो। तो इन्होंने इतना सर्च करा तो यहाँ पर 15 किलोमीटर की रेंज में जो है सुरपुरा डैम और सुरपुरा पार्क ना, सुरपुरा सफारी पार्क करते हैं। सुरपुरा पे ना वेस्ट मटेरियल से ना उन्होंने एनिमल से बहुत अच्छे अच्छे क्रिएचर क्रिएट किए। हाँ ये मैंने भी देखा था, मतलब जो हमारा, मैं आपको वहीं पर जाके दिखाऊंगी तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी आप हमारे साथ सफर का आनंद लीजिए, ठीक है। फिलहाल तो हमारे घुमक्कड़ गैंग में एक और मेंबर जुड़ गया है, राहुल। अरे मम्मी इधर है नहीं तो माने राहुल हमारा नया मेंबर जुड़ गया है। वैसे वो सर ना कहीं जाते तो है नहीं, अभी हमारी गैंग बढ़ गई है। पहले हम दो थे, फिर हेमंत आया, उसके बाद फिर अब राहुल आ गया, फिर हम अभी 5 मेंबर की हमारी गैंग बन गई। मतलब ऐसे होता है कि एक जाता तो एक मतलब हमारी टीम में आ ही जाता है। तो जो सर है वो ये देखो बाइक में आगे आगे हमें डायरेक्शन बताएंगे। हम भी मैप के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पूरी वॉल कितने अच्छे से पेंट कर रखा है इन लोगों ने, इतनी अच्छी ड्राइंग बना रखी है। ये वाला रास्ता देख के तो ना इतना उदास लग रहा था ना मुझे गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ मैं ना, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मे बी अब हमें यहाँ से अंदर जाना है इस वाले रास्ते से। और देखो रास्ता भी कितना कच्चा कच्चा हो रखा है। ये आज सुबह इन्होंने वर्कआउट नहीं करा, इसलिए सब वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये देखो यहाँ पर से ऊपर चढ़ के ये राहुल सर, हेमंत सर और मोटू जी ऊपर जा रहे देख रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ पर से ना, ये देखो यहाँ पर ना इन लोगों ने ये पत्थर लगा रखे, मतलब नो एंट्री का साइन कर रखा है। और यहाँ पर लोगों ने स्कूटी वगैरह यहीं पर पार्क करी है, तो मे भी आगे नहीं जा सकते हम। और वो देखो सामने, ये देखो तीनों के तीनों वहाँ पर सर्वे करके आगे, अब ये हमें लेके जाएंगे मेन रूट से। देखो कितना जूम कर रखा है, कैमरा तो मस्त है मेरा, टाइमिंग में। और अभी आप ये देख रहे हो वहाँ का, तो मैं सर मई जून की धूप लग रखी होगी, पर हवा मस्त चल रही है। ऊपर तो और अच्छी हवा चल रही थी, आप तो आए थे ना, बहुत अच्छा व्यू है। बट हाँ तो जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है, अभी शाम को आते हुए चल लेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहूँगा बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ हो ना हो बस मोटे के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं भी, बस रोड में ही मिल रहे तो मजा है। कुछ ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ना मेरी, तो मुझे मैं फिर ब्लश करने लगी। ज़्यादा झूठ बोल पाए बस थोड़ा सा फेंक ही रहा हूँ बस। मुझे फेंक रही गंदे है। एंट्री गेट सुरपुरा पार्क की। राहुल सर आप हमारे न्यू मेंबर हैं, हाय तो कर दो एटलीस्ट मेरे। ये है यहाँ पे टिकट काउंटर, ये है मेन रूट, जिस रूट से हम आए थे इस वाले रूट से हम आए थे। एंड ये है आपका सुरपुरा सफारी पार्क। उठा के लेके चलते हो तो तू पूरा पार्क उठा के लेके चला जाएगा। गाइस ये ना नकली आर्टिफिशियल ट्री है, ठीक है, आप नकली का। एंट्री टिकट इतनी सस्ती सिर्फ 10 रुपए की, वो भी पर पर्सन, बढ़िया है। सो गाइस जो मुझे देहरादून में फूल दिखने के लिए नहीं मिल रहे, मुझे राजस्थान में दिख रहे हैं, ठीक है। हम जंगली फूल बोलते थे बचपन में ना, हम इन फूलों को तोड़ तोड़ के खा भी देते थे, बताओ। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, बेसब्री से इंतजार कीजिए, ये देखिए इसको।
हाँ वो देख नहीं रखी है जो जिसमें जो ये ना गियर नहीं होते गाड़ियों के गियर वगैरह वो सब लगा रखे है ना, यूज कर रखा ना है ना देखो। और ये जो हाथी की सूंड बना रखी है बिल्कुल जो चेन होती है ना बाइक की चेन उससे पूरा इन लोगों ने उसी चेन से बना रखा है। गियर इसमें यूज हो रखे हैं, पाइप्स कुछ यूज हो रखे हैं। अब हम नेक्स्ट एनिमल देखने जा रहे हैं, ये है गोरिल्ला, ठीक है, ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल का बना रखा है। उसी के सामने पे है चिंपैंजी और ये साइड का व्यू है, ठीक है। इन्होंने मतलब साथ ही साथ ना इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लग बोलते हैं ना नेचर ऑफ ब्यूटी, मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव बना रखा है इन लोगों ने। हाँ मैं भी तो वही सोच रही थी कि वो ही है। आगे चिंपैंजी मेरे को क्या दिखा रहा है, तो चूहे का बराबर। और ये सामने है हमारा पांडा, क्या मस्त बना रखा है ना, मतलब कौन कलाकार हो गए जिन्होंने इतना सब कुछ बना रखा है, मतलब कितने सारी चीज़ें यूज़ हुई होंगी, ठीक है। जो उनकी शेप होती है बॉडी की शेप है बिल्कुल वैसे ही शेप में बना रखा है। उस गाइस मुझे गर्मी में बहुत भयंकर लग रही है। और यहाँ पर देखो फिर स्टेयर से चढ़ के, आपको पता है यहाँ पर 15 टन का जो लोहा है वो यूज़ हो रखा है यहाँ पर, जितने भी सारे एनिमल्स बन रखे हैं उन सब में। और ये है पोलार बियर, राजस्थान में कैसे रह रहे होंगे बेचारे पेंगुइन। ये तो वही स्टैंड के गाड़ी के जो स्टैंड होते हैं। एंड इस वाली साइड में आपको सारे देखेंगे बटरफ्लाई, मैनी टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई। इसी का मुझे इंतजार था कि मुझे पूरे पार्क में ये कैमल क्यों नहीं दिखा। आपको तो पता है राजस्थान की आन बान शान कैमल ही है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पार्क भी हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। वाटर एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स पर ज़्यादा शौक है बस वो गेम मस्त गेम चल रहे हैं यहाँ पर खेल सकते हैं। और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इनके अभी भी अपने बैंक की बातें हो रही है, इनकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती अलग ही दुनिया के, ये तीनों के तीनों। एंड ये सामने देखो मतलब अभी मैं पार्क में हूँ, पार्क से मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है देखो सुरपुरा सफारी पार्क। एंड जस्ट उसके जो आगे पे आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की लाइन वो डैम है, वो पानी दिख रहा है। एंड ये देखो नए नए टाइप्स के जानवर आगे जाते हो तो मुझे नाम ही नहीं पता चल रहा है। लग रहा है ना बिल्कुल दूर से ऐसा लग रहा है रियल का स्नेक होगा। इतने सारे पेड़ पौधों के बीच में देखो गाइज ये भी बन रखा है यहाँ पर, पूरे लोहे का ये बन रखा है ये भी सील। एंड यहाँ पर से अब हम इस वाले रूट से जाएंगे, देन अपोजिट साइड पे जो है वो है डैम। तो अब हम पहुँचने वाले थोड़े ही देर में सुरपुरा वाटर स्पोर्ट्स, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ अभी अवेलेबल है भी या नहीं, या हमारा पोपट बनता है। तो ये देखो गाइज हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल डैम के पास पे, ठीक है। ये मतलब बैक साइड से आगे शायद हम एंट्री थोड़ा सा आगे जाके होगी, तो पैदल पैदल चलते हैं। मतलब राजस्थान में घूमने आऊँ तो ये वाली जगह तो भाई ज़रूर आना, एक बार तो बनता है यहाँ आना। गाइस मेरा तो बहुत मन था बोटिंग करने का, पर जो मेरे साथ तीनों के तीनों आ रखे थे महान, सब ने बोला नहीं नहीं हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी। फिर मैंने सोचा छोड़ो फिर मैं भी क्या अकेले ही जाऊँ। तो फिर हमने यहाँ पे 15-20 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करा, थोड़ा सा पानी में पैर डाले, देन उसके बाद थोड़ा सा मस्ती करी यहाँ पे। अभी आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ पर क्या होगा। अभी यहाँ पर से आपने देखा ना बोट आई, अभी ये देखो जो उसकी वेव्स है वो कितनी जल्दी जल्दी आगे आ रही है, और जो सामने आंटी और बैठे रहते हैं ना वो गीले हो जाते ये देखो जिराफ, ये वो है ना जिराफ जिराफ वगैरह लगे उसमें स्प्रिंग्स, जो ये तार वगैरह में देखो स्प्रिंग्स वगैरह से बनाया गया है। शेर शेर ये लायन जंगल का राजा। हेलो हेलो बोलो वाओ। अरे यार करो ना 1 2 3 से क्या करना। अरे गोरिल्ला ऐसे करता है।
हाँ करो करो जैसे करते हैं। अरे नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। अरे करो यार जल्दी। चलो मत यार। चलो चलो चलो। सो गाइज बस यही था पूरे पार्क में एंड अब यहाँ से हम एग्जिट हो रहे गेट से एंड निकलते हैं फिर घर के लिए। इस पहुँच चुके हैं हम घर पे। हालत देख सकते हो आप, सुबह क्या बन ठन के गए थे और अभी क्या हालत हो रही है। मेरे तो ये चीज़ें बहुत दर्द कर रही हैं। आगे मन करो मस्त करके सो जाना था। अब हम फटाफट बनाते हैं चाय, थोड़ा सा अपनी सुस्ती भगाते हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और जो कभी राजस्थान आए तो सुरपुरा डैम और सुरपुरा पार्क भी ज़रूर जाए। ओके गाइज, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपने घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।